ready, sir. Perfect. Smile, sir, smile. Very nice. Very good. देखिए कोई भी चीज़ जो आप सोचते हैं और जिसको आपको एहसास होता है कि इस चीज़ से जो आपने की है वो दुनिया में सारी दुनिया में एक खुशी का एक दोस्ती का जो पैगाम आप अल्लाह से खुदा से भगवान से मांगते हैं जब भी उसकी परिपक्वता होती है जब भी वो पूरा होता है तो हमेशा इंसान को बहुत खुशी होती है। मेरा ऐसा मानना है कि एक इंसान दूसरे इंसान को हमेशा खुशी देना चाहता है लेकिन बीच में इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं इतनी समस्या आ जाती हैं कि वो उनको भूल सा जाता है तो ये गाना उन सबको एक याद दिलाने की ख्वाहिश भी है। देखिए ये अगर मैं डेडिकेशन देना चाहूँ तो ये सॉन्ग इट इज़ डेडिकेटेड टू ह्यूमैनिटी क्योंकि ज़िंदगी में जब हम भगवान को अल्लाह को या खुदा को याद करते हैं तो या तो हम उनकी इबादत करते हैं या अपने लिए कुछ मांगते हैं तो मैंने ये गाना इस तरह से लिखा है कि हम अल्लाह से मौला से दुनिया के लिए खुशी दोस्ती और प्रेम मांग रहे हैं। देखिए सूफी तो एक स्टाइल है तो ये काफ़ी कुछ इसका म्यूज़िक सूफियाना है लेकिन सूफी में आप सिर्फ इबादत करते हैं भगवान की अल्लाह की मौला की इसमें हम उनकी इबादत के साथ साथ हम मांग रहे हैं उनसे कि आप सारी दुनिया को खुशी दीजिए प्रेम दीजिए और दोस्ती दीजिए। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में जिस तरह से एक्सपोजर है तो हमारे पास ऑब्वियसली हम लोग आजकल उस युग में रह रहे हैं जिसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है तो सारी दुनिया में जो हो रहा है उसका असर हम पर पड़ता है और शायद सारी दुनिया में असर जो है वो बहुत क्विक फिक्स वाला असर हो रहा है दैट वी वॉन्ट इंस्टेंट थिंग्स। तो जितने भी गाने हैं वो इमिडिएटली जब आते हैं तो उनकी बीट्स अच्छी होती हैं और वो सबको खुशी देते हैं वो एक स्टाइल है। दूसरी स्टाइल है जिसमें गाना आपको काफ़ी समय तक याद रहे तो हमारी कोशिश जो है वो ऐसी है कि हम ऐसा गाना बनाएं जो लोगों को देर तक याद रहे। थैंक यू वेरी मच। बताएं ये लोग आएंगे आवाज़ आएगी उनकी। मैं ये कहूँगा इसे कंपोज करने में लगभग 6 महीने लगे और इसकी वजह ये थी कि हमने बहुत सारे 50-60 गाने थे 70 गाने थे उसमें से पहले कुछ 20-30 छांटे फिर 5-10 छांटे फिर कुछ हुआ फिर उसमें चेंजेस आए क्रिएटिव सजेशंस होते थे हमारी बहुत सारी डिस्कशंस होती थी तो उसके बाद में हमने जो फाइनल 9 गाने सेलेक्ट किए उनको हमने कंपोज किया और सब लोगों ने गाया इसमें अच्छे लोगों ने। मैं कहता हूँ कि डिमांड तो कोई सड़क पे चलता हुआ आदमी किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लिरिसिस्ट को म्यूज़िक डायरेक्टर को नहीं आके कहता कि आप ऐसे वाले गाने बनाओ। ये शॉर्टकट टू सक्सेस पाने के लिए जल्दबाजी में लोग ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जो बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाएं। तो
अब उसमें क्या होता है कि इस तरह के डबल मीनिंग गाने लोग रख देते हैं तो भले थोड़े दिन के लिए अच्छे लगते हैं लेकिन चले जाते हैं। आज बड़े बड़े जो भी एक जो टीवी पे शोज चल रहे हैं जहाँ बच्चे लोग अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, बहुत सारे रियलिटी शोज होते हैं, आप सोचिए वो बच्चे वो गाना गाते हैं जब शायद उनके माँ बाप भी पैदा नहीं हुए होंगे, तो वो अच्छा काम था आज तक बोलता है। इसी बात का हमने भी अपने इस एल्बम में ख्याल रखा है कि कोई भी इस तरह का ना तो लिरिक्स हो ना इसमें कि कोई भी इस तरह का संगीत हो, और जो भी हो पवित्र हो, अच्छा हो, सुंदर हो, लोग घर परिवार में बैठ के अपने साथ सुन सकें, आनंद ले सकें। जी मैं ऐसा मानता हूँ अच्छी चीज़ को कोई रोक नहीं सकता, और ये जो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं ना, तो जैसे हमारा जो पुराना संगीत है वो एक सूरज के समान है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए उसके सामने शायद काले बादल ज़रूर आ जाते हैं लेकिन उससे कोई ढक नहीं सकता, बादल आते हैं चले जाते हैं लेकिन जो अच्छा गाना होता है वो हमेशा आगे रहेगा। जी जी वो हम सबके और ना मालूम कितनों के गुरु स्वरूप रहे हैं, भगवान रहे हैं, और भारतीय संगीत में उनके बराबर बड़ा कोई नाम नहीं होगा। हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और रफ़ी साहब को हम सब की तरफ से नमन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चालू है इस एल्बम में आपको पता है रेखा भारद्वाज जी ने गाया है, उदित नारायण जी ने गाया है, महालक्ष्मी अय्यर और जावेद अली साहब ने गाया है, और इन चारों लोगों के गाने में इतने डिफरेंट कलर्स हैं। उदित जी फिल्मी स्टाइल का गाना बहुत अच्छा गाते हैं, रेखा जी सूफी स्टाइल का बहुत अच्छा गाती हैं, महालक्ष्मी जी रोमांटिक स्टाइल का बहुत अच्छा गाती हैं। इसी तरह से जितने भी ये सिंगर्स हैं वो चुन करके इसलिए इस एल्बम में लिए गए हैं, जो लिरिक्स हमने सेलेक्ट करी उसके साथ वो पूरा पूरा जस्टिस कर सकें। तो रवि शर्मा जी ने जितने शेड्स इस लिरिक्स में रखे हैं अपने, उतने ही शेड्स का हमने म्यूज़िक किया है और उतने ही अच्छे ढंग से इन सारे सिंगर्स ने इसमें गाया है। एक गाना है ऐसा जो आज के समय के हिसाब से बहुत अच्छा है और बड़ा ज़रूरी है कि सारी जनता तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए, और वो है एक गाना जिसे रेखा जी ने गाया है और मैंने गाया है। तो मैं आपको दो लाइनें सुनाता हूं और मैं चाहता हूं कि इस गाने में जो बात कही गई है वो सारे लोग उस बात को आगे बढ़ाएं, पसंद करें, और ये एक मैसेज है सब लोगों के लिए, और वो ये है, मेरे मौला तू सब की दुआओं का सिला दे दे, ओ मेरे मौला तू सब की दुआओं का सिला दे दे, सारी दुनिया को दोस्ती का एक सिलसिला दे दे, ओ मेरे मौला तू सब की दुआओं का सिला दे दे। ये रवि जी ने दुआ मांगी अपने लिए नहीं, सारे लोगों के लिए मांगी, ना अपने लिए ना किसी एक ख़ास आदमी के लिए, सारी दुनिया के लिए मांगी। और हम कोशिश करते हैं और आप सबसे उम्मीद करते हैं कि हमारी भी ये दुआ कबूल हो, कि आप सबको ये एल्बम पसंद आए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।